नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स टीवी पर। मैं हरीश महेंद्रू और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। जिला मुख्यालय चंबा से पूरा चंबा बाजार इस समय श्री राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं जो कि भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां अयोध्या से सीधा प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। पूरे देश भर में आज उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। वहीं चंबा शहर में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं मुख्य बाजार चंबा से, जहां मुख्य चौक पर अयोध्या से सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह जिला मुख्यालय चंबा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्राएं, प्रभात फेरियां भी निकाली गई हैं और आज दोपहर बाद जिला मुख्यालय में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है इस समय अयोध्या से एलईडी स्क्रीन के माध्यम से। पूरा चंबा शहर इस समय भगवान श्री राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे। रामचंद्र के बाल गजवान हरण भव भय दारुणाम, यही मांगल पूछता हुआ सुनाई दे रहा है कि हे भक्त प्रभु श्री राम को भज। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केवल लाइव टाइम्स टीवी पर, एक्सक्लूसिव जिला मुख्यालय चंबा से। राम दिवाली होगी पूरे भारत वर्ष के लिए। रावण में परिसर के भीतर जो लोग मौजूद है उनको उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को अंदर और हर कोई अंदर अधिकतर इंतजार कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। पूरा देश राममय है, अयोध्या राममय। और ये अब जो हम आपको तस्वीरें देख दिखा रहे हैं ये बहुत खास है। आप देखिए यहाँ पर उमा भारती साध्वी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। संभवतः इसके पहले भी आंखें नम हुई होंगी लेकिन उस आंसू और आज के अश्रु में बहुत अंतर है। ये साध्वी नितंबरा और उमा भारती जिन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष देखा है इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राम मंदिर बनने के लिए, ये खुशी में आज आंसू निकल रहे हैं कि अब सफलता प्राप्त हुई है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रामलला को दूर रखा जाए, भक्तों और राम के बीच में बड़ा अंतर रखा जाए, लेकिन आज आखिरकार वो घड़ी आ गई जब इतना लंबा संघर्ष और उसके बाद आज दोपहर 3:30 बजे जिला मुख्यालय चंबा में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और उसके बाद मुख्य चौक पर इसी स्थान पर आरती का आयोजन भी किया जाएगा। और वैसी तस्वीर है अयोध्या से क्योंकि इस वक्त मिल भी रही है, तो कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत है, नए मंदिर की या फिर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत नहीं, इसी के साथ नए युग की भी यहाँ शुरुआत हो चुकी है कि कैसे अब राम लला के दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा या ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी वो टेंट में या अस्थाई मंदिर में क्यों है। अब रामलला को न सिर्फ अपना निवास मिला है, ये मंदिर मिला है, बल्कि भक्तों में भी आज खुशी की लहर है कि आप प्रभु श्री राम को जब मन चाहे जितना चाहे देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और वो लंबे समय तक जो संघर्ष पुराने लोगों ने किया आज किसी का
तो इस लाइव स्ट्रीम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अब हमें इजाजत दें, आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे जिला चंबा की अन्य लाइव अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा, जय श्री राम।